अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की विशेषता क्या है? बहुत सारी विशेषताएं हैं। बद्रीनाथ धाम के अंदर भगवान बद्रीनाथ जी की सेवा, जो कि 6 महीना देवताओं के द्वारा किया जाता है और 6 महीना मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, उसके अंतर्गत आज ही का तिथि है, जिस तिथि से लेकर श्री मंदिर के पट खुलते हैं, मतलब अक्षय तृतीया से लेकर लगभग दीपावली तक बद्रीनाथ जी का सेवा मनुष्य करते हैं और उसके बाद से लेकर अक्षय तृतीया तक की सेवा देवता करते हैं। आज बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का तिथि है और विशेष रूप से आज ही का वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन, आज ही के दिन भगवान ने सृष्टि की रचना की। एक तरह से सतयुग का आरंभ आज ही की तिथि को हुआ है। इतना ही नहीं, भगवान के 21 दिन व्यापी चंदन यात्रा जो महोत्सव है वो भी आज ही से शुरू होता है और भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का रथ निर्माण का तैयारी जो कार्य है वो भी आज से शुरू होता है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ, भगीरथ के प्रार्थना से माँ गंगा का इस जगत में अवतरण भी आज ही के तिथि को हुआ और सूर्यदेव ने कृपा करके युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र भी आज ही के तिथि को प्रदान किया और माधवेंद्र पूरी बात जो खीरचोरा में जाके जो चंदन यात्रा महोत्सव किया वो भी आज ही के तिथि से हुआ। इस प्रकार अनेक लीलाएं अनेक घटनाएं हमारे इस सनातन शास्त्र के अंदर वर्णन है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन में हुआ। इस प्रकार से मान्यता है और विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन ही सिंहाचलम के अंदर भगवान श्री जियड नरसिंह जिसको कहते हैं और साथ ही उनका श्री श्री लक्ष्मी वराह नरसिंह स्वामी के नाम से जिनको जाना जाता है, भगवान नरसिंह देव जो कि वराह रूप में भी मिल करके हैं, उनका भी आज का ही दिन एक ही दिन निजरूप दर्शन भी होता है। निजरूप दर्शन मतलब क्या है?
पूरा साल वो चंदन के द्वारा ढके हुए रहते, आवृत रहते हैं, लेकिन आज का दिन उनके ऊपर से वो चंदन का लेप हटाकर उनको दर्शन कराकर जगत को उसके बाद पुनः चंदन के लेप से उनको ढक दिया जाता है। सिंहाचलम वो क्षेत्र है जहां पर हिरण्यकश्यपु जिस समय प्रहलाद महाराज के ऊपर क्रोधित होकर उनको मारने के लिए मृत्युदंड देने के लिए फैसले किए हिरण्यकश्यपु ने, उस समय उन्होंने अपने 8 प्रधान सेनापतियों को हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद के वध के लिए नियुक्त किया था, प्रहलाद के वध के लिए नियुक्त किया। उसी के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु स्वयं ही उनको बतला रहे हैं कि आप लोग प्रहलाद को ले जाकर समुद्र में फेंकें और उसके ऊपर पहाड़ रख दें एक। तो जिस स्थान पर प्रहलाद महाराज को लाके समुद्र में फेंका गया था वो स्थान ही ये सिंहाचलम के पास है, मतलब ये विशाखपट्टनम जो समुद्र है वहां पर फेंका गया था, लेकिन भगवान वहां पर प्रकट होकर प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। इसीलिए हिरण्यकश्यपु के वध के बाद प्रहलाद महाराज ने उस स्थान पर आकर वहां पर ये स्वरूप भगवान का प्रकट किया है, क्योंकि जब समुद्र से निकल के आया, तो प्रहलाद महाराज भगवान के विरह में इतने क्रंदन करने लगे कि भगवान से देखा नहीं गया और स्वयं भगवान वहां पर प्रहलाद को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। प्रहलाद ने जब उनका दर्शन किया, उनका इच्छा हुआ कि भगवान का वाराह रूप भी दर्शन करें। इसीलिए प्रहलाद महाराज को खुश करने के लिए भगवान का एक नाम है प्रहलाद हृदयाह्लाद। प्रहलाद के हृदय में आह्लाद भरने वाला जो है वो भगवान नरसिंह देव। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद को संतुष्ट करने के लिए, प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए वहां पर श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के रूप में अपने आप को प्रकट किया, अपना रूप को प्रकट किया। इसीलिए प्रहलाद ने उसी स्वरूप को वहां पर स्थापित किया और दीर्घ काल तक सेवा भी किया। बाद में जिस प्रकार से उपयुक्त व्यक्ति सेवा करने के लिए नहीं रहता है तो वो सेवा लुप्त सा हो जाता है, वो सेवा लुप्त हो जाता है। इसीलिए बाद में वो जो मंदिर प्रहलाद महाराज ने बनाया वो सब लुप्त भी हो गया और विग्रह भी मिट्टी के ढेर में दब गया। वो जो विग्रह भी मिट्टी के ढेर में दब कर पूरा ही आवृत हो गया था। अभी जो पुरुरवा है महाराज पुरुरवा, वो उर्वशी के साथ में गंधर विवाह करके जिस समय आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, इस स्थान की तेज ने, इस स्थान की पवित्रता ने पुरुरवा को आकर्षित किया। जब पुरुरवा वहां उतर कर वो स्थान क्या है उसका अनुसंधान करने लगे थे, तब उनको ये वाराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ। वो आज ही का तिथि में हुआ और साथ ही पुरुरवा को आकाशवाणी के द्वारा भगवान नरसिंह देव ने इस बात को कहा कि मुझे कभी भी इस जगत के सामने प्रकाशित नहीं करना, केवल एक दिन कर सकते, वो है अक्षय तृतीया के दिन, अन्य किसी भी तिथि में मुझे तुम इस संसार के सामने प्रकाशित नहीं करना है। क्या करना है? बोलते चंदन के द्वारा आवृत करना है। वो चंदन भी कितना करना है?
वो बोलते जितनी मात्रा में मिट्टी का ढेर मुझे ढका हुआ था जो तुमने निकाला उतना ही चंदन से मुझको ढकना है। इसलिए भगवान नरसिंह देव का जो सिंहाचलम के अंदर जो विग्रह है वो संपूर्ण वर्ष चंदन के द्वारा लेप किया हुआ रहता है। मानो इस प्रकार से पता चलता है जैसे चंदन का शिवलिंग है, वो चंदन का शिवलिंग की तरह प्रतीत होता है देखने में, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन का पूरा लेप निकालते हैं। निकालने के बाद मालूम पड़ता है कि उसके अंदर में विग्रह है। पूरा साल आज का दिन भी जब उनका दर्शन होता है तो विग्रह के हृदय में और मस्तक पे चंदन अवश्य रखा हुआ होता है। जो हो आज ही का दिन से पुरुरवा को भगवान ने स्वयं आदेश किया कि तुम मेरा चंदन यात्रा अवश्य ही करना। और आज से लेकर 21 दिन तक भगवान जगन्नाथ देव जी का चंदन यात्रा महामहोत्सव भी होता है। जगन्नाथ का जो विजयी विग्रह है, जो मदन मोहन स्वरूप में है, जो कि श्री मंदिर के अंदर है, उनको वहां से पालकी में उठाकर लेकर के आते हैं नरेंद्र सरोवर में, चंदन सरोवर में लेकर के आते हैं। वहां लाकर नौका विहार कराते हैं और चंदन में घुले हुए जल को लेकर उनके गर्दन तक, कंठ तक, उसको विग्रह को उसके अंदर डुबा करके रखते हैं ताकि शीतल जल हो और भगवान को गर्मी ना लगे। वो भी इसी अक्षय तृतीया से शुरू होता है। श्री माधवेंद्रपुरी बाद जब गोवर्धनधारी गोपाल को नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी को प्रकट करते हैं यहाँ पर गोविंद कुंड में, और 2 साल लगातार उन्होंने उनका बड़े सुंदर तरीका से सेवा किया। उसके बाद भगवान स्वयं माधवेंद्रपुरी को आदेश करते हैं कि तुमको अभी उत्कल देश में जाना होगा, तुम्हें अभी वहां जाना होगा क्योंकि मेरा शरीर जलन हो रहा है, शरीर में मुझे जल रहा है, इसीलिए मुझको अगर चंदन का लेप करोगे तो ही मुझे आराम होगा। और वो चंदन कहाँ से मिलेगा? उत्कल से मिलेगा। वो बोलते हैं मलयगिरी चंदन वहां से लेके आना होगा। तब माधवेंद्रपुरी पाद उत्कल की ओर यात्रा करते हैं, पुरुषोत्तम धाम की ओर यात्रा करते हैं। मार्ग में वो रेमुना का दर्शन करते हैं जहां पर खीरचोरा गोपीनाथ जी है। वो आप सब उस घटना से अच्छी तरह से विदित है किस प्रकार से गोपीनाथ जी ने उस खीर को चोरी करके माधवेंद्रपुरी पाद के लिए रखा। इसमें हम लोगों को समझने वाली बात यह है, भगवान केवल अपने प्रिय भक्तों के द्वारा ही अपने कार्य को सिद्ध कराते हैं, और किसी के द्वारा भगवान का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। ये दुनिया के अंदर लोगों का धारणा है कि हम लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई भी सेवा करेगा वो भगवान तक लग नहीं सकता है, पहुंच नहीं सकता है, ये विशेषता है। इसीलिए माधवेंद्रपुरी पाद से ही भगवान ने सेवा लेना था, माधवेंद्रपुरी पाद से ही भगवान ने सेवा ग्रहण करना था। इसी कारण से जब माधवेंद्रपुरी पाद को ही भगवान ने आदेश किया, और भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, भगवान उस भक्त के सारी अवस्था को सुगम बना देते हैं। इतना बुजुर्ग व्यक्ति अपना प्रयास से, अपने कष्ट से जाकर अगर इतना चंदन लेकर के आना है, उनके लिए बड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए भगवान ने स्वयं उनको प्रतिष्ठा देकर, उनको परिचारक देकर सारी व्यवस्था अपने आप खुद ही कर लिया। भगवान सारा काम अपना खुद कर लेते हैं, लेकिन श्रेय आश्रित जनों को दे देते हैं।
यही भगवान की एक अलग तरह की वैशिष्ट है। आप देखेंगे हर जगह पर यही होता आ रहा है। सनातन गोस्वामी के पास भी मदन मोहन के रूप में आए तो हैं, लेकिन सारी सेवा अपना खुद ही कर लिया। रहे सनातन गोस्वामी के पास, लेकिन सेवा सब उन्होंने अपना खुद ही कर लिया। यही विशेषता। तो जो हो, माधवेंद्रपुरी पाद से चंदन प्राप्त करने के, माधवेंद्रपुरी पाद चंदन लेने के बाद जब वापस गोवर्धन के लिए प्रस्थान करते हैं, उस समय गोपीनाथ जी का ही चंदन लेप करने का आदेश उनको प्राप्त होता है। किसके द्वारा? ये गोवर्धनधारी गोपाल के द्वारा। श्रील भारती महाराज जी से सुनते आए हैं कि जितना चंदन लेके आए हैं वो 21 दिन तक चला था, और उसके बाद माधवेंद्रपुरी पाद वहीं पर रह गए, क्योंकि गोपीनाथ जी का यही इच्छा था। वो चंदन यात्रा आज से ही शुरू हुआ है वहां पर, और साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सभी को ऐसा मान्यता है कि जो भी आज का तिथि में हम करेंगे सब अक्षय हो जाएगा। लेकिन गुरुवर्गों से सुनते आए हैं कि इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु वास्तविकता में जो अक्षय है ही नहीं है। जब अक्षय है ही नहीं, कुछ भी करोगे वो अक्षय कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है, ये सब कुछ जब तक इस संसार के अंदर जीवन है तब तक अक्षय होता है, वो भी ठीक तरीका से किए जाने पर। क्योंकि जब संसार ही शाश्वत नहीं है, तो संसार के अंदर किए जाने वाला कोई भी काम का जो परिणाम है वो अक्षय किस प्रकार से हो सकता है? कहने का मतलब है कि जब तक जीवन है तब तक वो हर तरह के सुख समृद्धि के साथ में जी सकता है, यही अभिप्राय है भक्तों के लिए। लेकिन इसका कोई भी महत्व नहीं रखता है, क्योंकि भक्तों के लिए क्या है, बोलते भगवान। वो जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वो जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। इसीलिए ऐसे अविनाशी भगवान के अभय चरणों की नित्य सेवा में रति ही भक्तों का एकमात्र आकांक्षणीय वस्तु है, और कुछ वो लोग चाहते ही नहीं। वो लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भगवान की सेवा। वो तो कर्मकांड व्यक्ति होता है, जो दान करो, सत्व दान करो, ये करो, वो करो, लोगों को जल दान करो, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो लोग आज अक्षय तृतीया के दिन करते हैं। और कई ऐसे होते हैं, नया काम शुरू करो या सोना खरीद लो, कुछ कर लो, इसी तरीका से होता है। लेकिन वास्तविकता में इस संसार के अंदर हम लोग कुछ भी अर्जन करते हैं वो सब निश्चित रूप से क्षय को प्राप्त होने वाला ही होता है। पैसा भी कमाते कहाँ रहता है, सोना हो वो भी वही है, कोई भी चीज, आयु वो नहीं रहता है, यश वो नहीं रहता है, कोई भी चीज इस संसार में स्थाई रूप से अक्षय बन करके रहता ही नहीं है। क्या रहता है? केवल भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, धाम, ये सब अक्षय बन करके रहते। इसीलिए बोलते हैं एक साधक को क्या करना होगा, शुद्ध भक्ति की आकांक्षा करते हुए, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान का सेवा करना होगा, तब जाकर उसका तिथि पालन सफल होगा, अन्यथा वो सफल नहीं हो सकता, वो विफल ही होगा। वो विफल ही होगा, अन्यथा वो कुछ भी सफल नहीं होगा। वो ये बात हम लोगों को समझना होगा। और भगवान जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा होगा, उस रथ यात्रा के लिए प्रतिवर्ष एक नवीन रथ का निर्माण होता है,
भगवान जगन्नाथ जी कोई भी वस्तु को दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब जगन्नाथ जी का हर वो वस्तु केवल एक ही बार प्रयोग होता है, दूसरी बार वो वस्तु का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए विशेष करके जगन्नाथ जी का जो रथ है, वो जब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए निर्माण करना होता है, उसका सेवा कार्य आज से ही शुरू होता है। आज से शुरू होकर वो रथ यात्रा के दिन तक पूरा उसका निर्माण कार्य संपन्न होता है, वो भी आज ही से होता है। तो इस प्रकार से अन्य असंख्य इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से सारी घटनाएं आज ही के तिथि को होते हैं। इसीलिए तिथि बहुत विशेष है। आज का तिथि में जो जाप करेगा वो अक्षय होगा, जो सेवा करेगा वो अक्षय होगा, जो भजन करेगा वो अक्षय होगा। लेकिन इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बहुमूल्य समय को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं करना चाहिए, और विशेष करके नश्वर पदार्थों के पीछे अपने आप को लगाकर बिल्कुल ही खराब नहीं करना चाहिए। इस संसार के अंदर नया गाड़ी ले लो, नया कपड़ा ले लो, ये कर लो, इस तरह का कोई भी व्यर्थ कार्य को नहीं करते हुए केवल और केवल आज का तिथि को भगवान के नाम करने के लिए ही हम लोगों को लगाना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए ही हमें आज का तिथि को व्यवहार करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। आज ही के तिथि में ऐसा सुनने में आता है ऐतिह्य के अनुसार कि सुदामा कृष्ण से आज ही के तिथि में उनका मिलन भी हुआ था। भक्त का भगवान के साथ में मिलन वो बड़ा ही महत्व रखता है। इसलिए हम लोगों को भी, हम लोग किस चीज के लिए गरीब हैं, बोलते हैं भगवत प्रेम के लिए, भगवान के सेवा के लिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत पाद पद्म में पहुंचना चाहिए, जिससे कि हम लोग भगवान के चरणों में रति हमारा हो सके। ये सब कुछ आज ही का दिन संभव पर है, और हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे श्री मनस शिक्षा की। इसके अंतर्गत भी जो उपदेश हमें दिया वो सारे वो उपदेश है जिसको हम पालन करने पर, ये सारे अक्षय उपदेश है। ये संसार के जितने भी बंधन है और इस संसार के अंदर अपने आप को बांधव कहलाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, वो लोग एक समय आने के बाद मृत्यु के मुख में जरूर चले जाते हैं। वो लोग मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, मर जाएंगे, कोई भी हमेशा रहेगा नहीं है। निश्चित रूप से एक दिन सभी ने तो मर ही जाना है। हम लोग चाहे कितना भी बोले या सोचे कि सांत्वना दे एक दूसरे को, लेकिन सत्य से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। वो ये कि हम लोगों को निश्चित रूप से मरना ही है, और ऊपर से
हमारे आचार्य गण कहते हैं आयु अति अल्प दिन क्रमे तहा हय क्षीण, हमारा जो आयु है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, और ऊपर से वो जो है वो भी क्षीण होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ऐसी समय में ये पूरी तरह से विरोध लगता है, जहां पर हम बोले सब कुछ अक्षय हो जाता है। इसीलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए बुद्धि को प्रयोग करके कि क्या, कि कौन सा चीज अक्षय है। परमार्थ साधन ही अक्षय है, इसके अतिरिक्त कोई भी साधन अक्षय नहीं हो सकता। वो परमार्थ साधन क्या है जो यहाँ पर हम लोगों ने कल श्रवण किया, गुरुदेव मंत्र और धाम, धामवासी, ये जितने भी अन्यान्य वैष्णव हैं, और उसके बाद हरिनाम, ये सब चीजों के अंदर जो रति होना, यही सब वास्तविकता में अक्षय है, इसके अतिरिक्त कोई चीज अक्षय है ही नहीं है। हम लोगों को बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ में हमारे आचार्यों के द्वारा बतलाए गए, प्रवर्तन किए गए मार्ग का अनुशीलन करना चाहिए। अगर हम उसको करते हैं तो हम लोगों का वास्तविकता में जीवन सार्थक होगा, अन्यथा जीवन सार्थक होने की संभावना नहीं है। इसलिए बोल दिया इस चीज को ठीक से समझने के लिए। भगवान का कृपा ऐसे ही भक्तों के ऊपर होता है, अन्य किसी भक्तों के ऊपर भगवान, अन्य किसी व्यक्तियों के ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता, नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि वो लोग भगवान के कृपा के अधिकारी नहीं है। जो लोग दुनिया के लाभ लेना चाहते हैं, दुनिया के सुख भोगों को शाश्वत और गुरुतर मानते हैं, वो लोग भगवान के उस अतिशयी कृपा का अधिकारी नहीं हो सकते, है ना, ये बात है। इस संसार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सब तो खत्म हो ही जाना, लेकिन अगर जिसका प्रयास, जिसका साधन, जिसका उद्देश्य इसमें से लाभ पाने का है, तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान उसके लिए सेकेंडरी हो जाते हैं, भगवान उसके लिए प्राइमरी नहीं रहते, भगवान उसके लिए सेकेंडरी हो जाते हैं। उस स्थिति में मतलब वो उसके लिए भगवान तटस्थ है, भगवान उसके लिए स्वरूप है ही नहीं। जब जीव के लिए भगवान स्वरूप नहीं है, मुख्य नहीं है, तटस्थ है, तो फिर भगवान का कृपा भी उसके ऊपर किस प्रकार से हो सकता है। शास्त्र कहते हैं वो संभव पर नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में आने वाले हर वो तिथि को, हर वो क्षण को, हर वो पल को हमें भगवत सेवा के उद्देश्य से ही व्यवहार करना चाहिए। आज हो चाहे कल हो, चाहे कोई और तिथि हो, कुछ भी हो, हर तिथि अक्षय हो जाएगा, हर दिन अक्षय तृतीया ही हो जाएगा, जब हम लोग भगवान के प्रति अपना अनुराग को बना सकते हैं। हमारा अनुराग अगर भगवान के प्रति होगा तो हर चीज अक्षय होगा। क्यों बोलते हैं, हर क्षण जो है वहां पर एक नवीन अनुभूति है, नवीनता है, ताजगी है, एक फ्रेशनेस है, एक एक नूतन भाव है ऐसा। इसीलिए जब हम लोग भगवान के चरणों में आश्रय ले लेते हैं तो हर क्षण वहां पर एक नया अनुभूति है। वहां पर बासी कुछ नहीं होता, वहां पर सीमित कुछ नहीं होता, वहां पर हर चीज वर्धित होता रहता है। जहां पर वर्धन है वहां पर ही आनंद है। वर्धन मतलब क्या, बढ़ना। जैसे इस संसार के अंदर का जो सुख,
इस संसार के अंदर का जो भोग है वो जितना हमें अनुभव होता है वो सबसे अधिक होता है, उसका मैक्सिमम अनुभव होता है, और उसके बाद धीरे 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 वही वस्तु के द्वारा अनुभव होने वाला सुख क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। जैसे मान लो आदमी बड़े शौक से गाड़ी लेके आता है, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद लेता है, लेकिन धीरे धीरे कालक्रम में क्या होता है, वो फिर पड़ा ही रहता है। ऐसे ही टीवी हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु के प्रति एक जो भोग करने की जो भाव शुरू में होता है, बाद में वो नहीं रहता है, वो क्षय हो जाता है। लेकिन भगवान का सेवा करते हुए जीव जब भगवान का कृपा लाभ करने का कोशिश करता है, तो जैसे जैसे वो भगवान का सेवा में डूबता है, वैसे वैसे उसके जीवन में नवीन अनुभूति होने लगता है। वो नूतन अनुभूति, वो नवीन अनुभूति, वो कैसे होता है, वो वर्धित होता रहता, बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता, वो क्षय नहीं हो रहा, वो वर्धित हो रहा है। ये विशेषता, ये अंतर है परमार्थ जगत का और इस जड़ जगत का। इसीलिए एक साधक को जिन वस्तुओं का आश्रय लेने पर कुछ भी क्षय नहीं होगा, उन्हीं का आश्रय लेने के बारे में हमारे शास्त्र हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। वो क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम और भगवान की सेवा। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग किसी और वस्तुओं का आश्रय लेते हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, सीधी शब्दों में हम लोग अपने समय को वृथा गवाते हैं, इसके अतिरिक्त किसी और प्रयोजन नहीं होता है। इसीलिए हर दिन को अक्षय तृतीया बनाना है, हर दिन को जन्माष्टमी बनाना है। श्री गुरु महाराज जी तो बोलते ही थे, जन्माष्टमी मतलब ये नहीं है कि एक दिन जो आपने मनाया वही दिन है। जिस भक्त के हृदय में भगवान कृपा करके अवतीर्ण होते हैं, जिस भक्त के हृदय में भगवान आविर्भूत होते हैं, आप ये समझ के चलिएगा वो दिन भी जन्माष्टमी ही है, भगवान का भक्त के हृदय में प्रादुर्भाव। इसीलिए अलग अलग समय के अंदर अलग अलग स्थान में जहां जहां भगवान का अवतरण हुआ है, और वो जन्माष्टमी ही माना है। इसीलिए बोलते हैं भगवान की लीला नित्य है, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड में नहीं है तो किसी अन्य ब्रह्मांड में, और उसमें नहीं है तो किसी और ब्रह्मांड में, लेकिन नित्य निरंतर भगवान का जो आविर्भाव है वो होता ही रहता है। ये विशेषता है। उसी प्रकार से जो भगवान को प्राप्ति कर लेता है, उसके जीवन में आनंद भी किसी भी समय वो बढ़ता ही रहता है, लेकिन कभी भी कम नहीं होता है। ये कर्मकांडी जो लोग होते हैं, जिन लोगों को, जो लोग कर्म प्रधान जीव है, उन लोगों को भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए इस तरह की तिथियां, ये सारी तिथियों का पालन किया जाता है। नहीं है तो जो भक्त होता है वो बृहद व्रति होता है। बृहद मतलब बहुत बड़ा। जो बृहद व्रति मतलब है कि जिसने बहुत बड़ा व्रत लिया है। कैसा व्रत लिया है? कि आजीवन का व्रत लिया, जन्म जन्मों का व्रत लिया। हम लोग जितने भी हरिनाम करने के लिए इच्छुक होकर के आए हैं, वास्तविकता में अगर हम सोचे और अगर ठीक से कर रहे हैं, मतलब है हम बृहद्व्रती हैं। कि सबसे जो बृहद मतलब सर्वश्रेष्ठ भी होता है। ये लोग भक्त लोग कभी भी शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, ऐसे ऐसे वीरवार, इस तरह के व्रतों में नहीं पड़ते। वो लोग सिर्फ उन व्रतों को करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जिसको करने पर और सब कर लिया माना जाता है। यस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तं भवति, यस्मिन तुष्टे सर्वमिदं तुष्टं भवति।
जिनको प्रसन्न कर लिया मतलब है सभी को प्रसन्न कर लिया, जिनका प्राप्ति हो गया मतलब है कि सभी का प्राप्ति हो गया। भक्त लोगों का ऐसा विचार होता है, क्योंकि भक्तों का एक ही उद्देश्य होता है, वो है भगवान की सेवा, कि भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होंगे। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे गोविंद प्रसन्न हो, उनको अच्छा लगे, और उसी कार्य को वो सब समय करते होते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। भगवान के इंद्रियों को तोषण करने का जो क्रिया है, प्रचेष्टा है, उसी को वास्तविकता में सेवा कहा है, उसी को प्रेम कहा है। उस प्रेम के भिक्षुक होकर, उस प्रेम के भिकारी होकर भक्त लोग भगवान के पीछे चलते हैं, और उसका परिणाम क्या है, ये यथावाम प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्य हम। ऐसे जो भक्त होते हैं, जो लोग उसी भावना से भगवान के पीछे चलते हैं, भगवान भी उन भक्तों के पीछे प्रेम का भिक्षुक बन करके चलने लगते हैं। कुछ भी करते हैं उसके बाद भक्तों के लिए, उसके बाद भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। कहने का मतलब है भक्त के प्रति भगवान के हृदय में जो प्रेम है, उसको भगवान पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने लगते हैं। ये विशेषता, इसीलिए खुद को ऐसे तिथियों के लिए सीमित ना करें। ये तिथियां अच्छा है, ये पालनीय तिथियां हैं, पवित्र तिथियां, इनका सम्मान करें, लेकिन इन तिथि में क्या करना होगा कि भगवान की आराधना करना होगा। मंदिर साफ रखें, भगवान का सेवा करें, अच्छे अच्छे भोग लगाएं ठाकुर जी को, इस तरह की सारी चीजों को करें। लेकिन उसको क्या कहते हैं कि नया कपड़ा खरीद लो, सोना खरीद लो, या दान कर लो, जो दान कर दो, क्योंकि अगर दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा, या तिल दान करो, इस तरह की चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। करना एक ही काम है, वो है भगवान की सेवा, भगवान को भोग लगाना अच्छे से, भगवान की आरतियां करना, उनके आगे बैठ के हरिनाम करना, और उसके बाद भगवत भक्तों का सेवा करना, और उसके बाद चंदन घीस कर अगर घर में विग्रह है, थोड़ा ठाकुर जी के मुख में चरणों में लगाना, इसी तरीका से करना, और सेवा हमेशा प्रीति से करना, नीति को रख के नहीं करना है। नीति को रख, जैसे चंदन का लेप लगा दिया और एसी तेज करके रख दिया, इस तरह के काम नहीं करना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि नीति सेवा नहीं, कि चंदन यात्रा है आज की तिथि में इसीलिए चंदन लगा दो, लेकिन ना, प्रीति के साथ में सेवा होना चाहिए, कि प्रेम से, कि मैं जो चंदन का लेप कर रहा हूँ, मैं अपने गुरु परंपरा का अनुगत कर रहा हूँ, और जिससे कि मैं उनके अनुगत में सेवा करते हुए अपना जीवन सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से लगाना चाहिए। चंदन लगाने के बाद, अगर लगाते, कई लोग आज के दिन लगाते, लगाने के बाद इस चीज का ध्यान रखना कि वो पूरी तरह से ना सूख जाए, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते रहना, इसी तरीका से सेवा करना। और अगर चंदन वगैरह नहीं लगा रहे, विग्रह वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ करके हरिनाम करना है, भगवान का नाम करना है, अपने अपने बहुमूल्य समय को वृथा ना गवाते हुए, क्या बोलते हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, इन सब चीजों से रहित होकर क्या करना होगा, उत्साह और निश्चय धैर्य के साथ में भगवान का नाम को करना होगा, भगवत भक्त का सेवा करना होगा, तब हम लोगों का जन्म सार्थक होगा, भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवान पूर्ण है, भगवान का धाम पूर्ण है, भगवत प्रेम पूर्ण है, इसीलिए जिसको भी इन चीजों का प्राप्ति हो जाएगा,
वो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अधूरा बोल करके नहीं रहेगा। अगर हम अक्षय तृतीया से हट करके चर्चा करते हैं, ये संसार के अंदर व्यक्ति दुखी क्यों रहता है, इसी कारण से दुखी रहता है, अभाव 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 है, मतलब है कभी वस्तु था कहीं तो था जो मेरे पास में नहीं है, ऐसी स्थिति मेरे लिए क्यों आया, इसका अनुसंधान करना पड़ता है, इसको खोजना पड़ता है ना। अभाव है, एक वस्तु का अभाव अगर मेरे जीवन में है, मतलब है कि वो वस्तु का उपस्थिति है, मेरे पास में नहीं है, मेरे अयोग्यता के कारण मेरे पास में नहीं है, लेकिन कहीं तो है, मेरे लिए अभाव हो गया, उसको मैं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूं, ये अनुसंधान साधक को करना चाहिए। कहने का मतलब है अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को लेकर के रोना नहीं है। कई लोगों की वृत्तियां ऐसे होते हैं, वो हर बात को लेकर के उनको रोना ही होता है, मतलब है कि कई बार ऐसा मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति जी कब रहा है, और बोलते हैं ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, नाम प्रभु का आश्रय लेना है, जब लेंगे तब जाकर भगवान की कृपा से हमारा जीवन का दशा बदल जाएगा। कौन बदलेगा, भगवान स्वयं बदलेंगे। हम लोग रोने मात्र से हमारा भाग्य नहीं बदलता है, भाग्य विधाता तो भगवान है, जब भगवान से अनुराग करेंगे तो ही भाग्य बदलेगा। सतयुग के बाद द्वापर युग आने का नियम है, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कली, लेकिन भगवान ने इच्छा करके युग को ही बदल दिया, भगवान कृपा करके युग को ही बदल दिया। भक्त के लिए कुछ भी भगवान कर देते हैं, भक्त के लिए कर देते हैं, माला पकड़ने वाले के लिए नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना है। माला तो कोई भी पकड़ लेता है, सेवा तो कोई भी करता है, लेकिन भक्त जो बनेगा, भक्त कौन है, भगवान में जिसका अनुराग है, और जो अनुराग भगवान में है वो केवल बढ़ता है, वो कभी भी क्षय नहीं होता है। इस संसार के हर वस्तु क्षय हो जाता, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, वैराग्यन तो कौन्तेय अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्यन च गृह्यते, भगवान बोल रहे हैं अभ्यास और वैराग्य दोनों ही होना जरूरी है। परम गुरु महाराज जी वैराग्य के लिए विशेष रूप से बोलते हैं, विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग सवैराग, विशेष रूप से परम पुरुष भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना ही वैराग्य है, और जो अनुराग परम पुरुष के चरणों में उत्पन्न हो गया तो आप ये समझ के चलिए कि भगवान आपके वश में है, भगवान जिसके वश में है, पूर्ण पुरुषोत्तम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक जिसके वश में होते हैं, उसके जीवन में कौन सा वस्तु क्षय होने वाला है, कौन सा वस्तु क्षय होने वाला, कुछ भी क्षय होने वाला नहीं है। वो व्यक्ति अक्षय तृतीया मनाए चाहे ना मनाए, उसके जीवन में कुछ भी क्षय नहीं होगा, ये बात है। इसीलिए गंभीरता से नाम का आश्रय ले, गंभीरता से नाम का आश्रय ले, हरि भजन करें और खुश रहें अपने जीवन में, दुखी नहीं होना है। कई लोग दुखी रहते हैं हमेशा, किसी ना किसी कारण से अपने जीवन में दुखी रहते हैं। हमारे दुखी रहने मात्र से हमारा परिस्थिति बदलेगा नहीं, हम लोग परिस्थिति जब बदल नहीं सकते, एक ही उपाय है, परिस्थिति के पीछे मत जाओ, परब्रह्म के पीछे जाओ, भगवान के पीछे जाओ, अपने आप ही सारा कुछ अपने आप ही अनुकूल हो जाएगा। शास्त्र में बता रहे हैं, जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, तमाम देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। शास्त्र में बताते हैं कि भगवान स्वयं जिसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं,
भला कौन उसका विरोध कर सकता है? उसका विरोध कौन कर सकता है? कोई उसका विरोध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान खड़े हैं। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। वो हमें समझ में आए उस स्तर का साधन हमें करना होगा। ये बात हम लोग जन्माष्टमी के दिन जाकर कुछ कर लेंगे, अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगा कुछ कर लेंगे, रामनवमी में कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं। हर दिन हर पल हमारे जीवन में जन्माष्टमी होना चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी होना चाहिए, राधाष्टमी होना चाहिए, गौर पूर्णिमा होना चाहिए, सब कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए। वो मतलब क्या है? आनंद जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण जिसका जीवन में है उसी के जीवन में आनंद है। भक्त को इसीलिए क्या बोलते हैं? कृष्णानंद, मतलब कृष्ण यस्य आनंद, जिसका आनंद का कारण कृष्ण है। कृष्ण ही जिनका आनंद का कारण है, कृष्ण नहीं है तो उसके जीवन में आनंद है ही नहीं। कृष्ण बिना जिया और न भावे, भगवान के बिना तो उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। भगवान के नाम के बिना, भगवान के कीर्तन के बिना, भगवत भजन के बिना उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे जो भक्त होते हैं वो लोग महान होते हैं। उन भक्तों के अनुगत को हम लोग प्राप्त करें, यही हमारा तिथि पालन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। गुरु महाराज जी से भी सुना, श्रील भारती महाराज जी से भी सुना, परमार्थिक उन्नति के लिए जो चाहत है वही एकमात्र साधकों के लिए मुख्य कार्य होता है। ऐसे तिथियों का पालन करने में, ऐसे तिथियों का सम्मान करने में, अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसी तिथि है, चंदन तो घिसते ही है, उसके बाद भंडारा वगैरह इन सब चीजों में व्यस्त हो जाते हैं जब चार आदमी इकट्ठे होते हैं तो। लेकिन वास्तविकता में करना क्या है? ये करना है भक्ताकांक्षी, भक्त संगाकांक्षी होकर, कि भक्तों के पास रहकर, गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहकर अपने आप को भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हम लोगों का हर दिन आनंदमयी हो जाएगा। जो हो आप लोग अपना ध्यान रखना। आशा करता हूं जो मैंने कहा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कल